तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत अच्छे ही, और मौसम बहुत अच्छा है, एकदम धूप आई हुई है, देख ही रहे हैं, अब देख रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग नहा चुके हैं और मैं और इंदु जा रहे हैं आज मंदिर खेत के, क्योंकि कल पूरी धान हमारी कट गई है, पूरे दोनों तरफ देखे दोनों तरफ धान हमारी कट गई है, और अब जा रहे हैं आज पूजा करने और भेंट भी चढ़ाना है, क्योंकि हरसी अभी फर्स्ट टाइम इस बार आई थी। तो हम जा रहे हैं खेत वाले मंदिर, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, और फिर हम लोग आज वापसी भी करनी है हमको घर के लिए। और आज हम एक सरप्राइज गिफ्ट हर्षी के लिए खरीदेंगे, उसको पता नहीं है, उसको बताएंगे नहीं, ठीक है, सरप्राइज। हर्षी अभी घर पे है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना पहाड़, यहाँ साइड में पहाड़ और ऐसे ये मेड़ में हम चढ़ रहे हैं एकदम मस्त मस्त। आगे इंदू जा रही है, मैं पीछे पीछे ब्लॉग बनाते हुए जा रहा हूँ अपना। तो साइड में पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा साफ है आज तो, धुंध भी नहीं निकली है, और मेड़ में चलने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं पैर स्लिप कर गया, पर अपनी तो आदत है। तो गाइस अभी चलते हैं मंदिर, मंदिर में देखते हैं क्या है, सफाई भी करनी है वहाँ, और फिर पेंटिंग सेंटिंग का कार्यक्रम भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी इंदू के ब्रदर की शादी फिक्स हो चुकी है, और उसकी शॉपिंग वॉपिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो शॉपिंग भी करनी है, इंदू भी करेगी शॉपिंग और खर्चा बढ़ा देगी। तो लाइफ में ना खर्चे कम नहीं होते, और शादी के बाद तो बहुत ही खर्चे हो जाते हैं। शादी से पहले मैं बहुत मतलब घूमता फिरता रहता था, अब देखते हो आप, केवल मोबाइल लेके पीछे पे चलता रहता हूँ। सही है गुरु, सही है, चलो देखते हैं। आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? अभी ये कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि इनकी लगी लंका। ये देखिए आगे हमारा मंदिर, जय हो प्रभु श्री राम, माता जी का मंदिर है यहाँ पे गांव का। यहाँ पे एक शेष नाग भी है, पर वो कभी कभी दिखता है। ऐसा मत बोलो, कहीं पता चला अंदर ही बैठा हो तो क्या होगा, काटता था ना। देखिए अब आ गए हम मंदिर, चलिए हम मंदिर में थोड़ा सफाई करते हैं और फिर आपको हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और तो अभी करते हैं पूजा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिया जल चुका है, भगवान जी को दिया जला दिया है घी का, अभी जलता रहेगा। तो गाइस हम लोग की पूजा हो गई है फिनिश, हम लोगों ने पूजा कर लिया। सुबह सुबह नहाने के बाद सबसे पहला काम हमारा था कि मंदिर में पूजा करना, तो हम लोगों ने पूजा कर लिया मैं और इंदू ने। तो अभी हमारी पूजा खत्म हो चुकी है, अब हम जाते हैं नाश्ता पानी करते हैं, और नाश्ता पानी करने के बाद हमको निकलना भी है, और हर चीज़ के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी खरीदना है, तो हम खरीदेंगे उसको मार्केट से। थोड़ा मार्केट का काम भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंदू के भाई की शादी तय हो गई है, तो उसका थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी देखना है। तो आज संडे है, टाइम आज ही मिला है, तो वही करते हैं ये काम ना, बोलो। यस करते हैं, कल शॉपिंग करनी है, ठीक है, स्पेंडिंग। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, धीरे धीरे चलो, भागते भागते जा रहा हूँ मैं, देखो चलो मैं तो बहुत तेज चलूंगा, पीछे से वो लोअर पूरी मिट्टी में भर खराब हो गई, मैं तो बहुत तेज चलूंगा। बैठे बैठे बैठ गए थे ना, तुम तो उसमें बैठी थी, मैं तो मिट्टी उसमें बैठा, जमीन में बैठा था। तो थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, चलो अभी तो सूखेगा। तो गाइस अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते हुए देखते हैं कि यहाँ पोताई चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस रहे पेंटिंग होना स्टार्ट हो गई है,
तो वाइट सीमेंट और पुट्टी उट्टी सब हो रही है, तब थोड़ी दिन बाद ये घर भी मतलब सामने से भी एकदम चमक जाएगा। उसके बाद अपना दूसरा मकसद होगा कि यहाँ दीवार खड़ी करना और ये प्लास्टर वास्टर करना पूरा। जब प्लास्टर हो जाएगा तो ये पूरा भी चमक जाएगा, तो एकदम अच्छा लगेगा। अब ये पूरा कल आपको वाइट पूरा दिखेगा, कल पूरा चमक जाएगा। ये पूरा पेंटिंग हो रहा है, अब धीरे धीरे पेंटिंग कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, हर्षी मैं और इंदु। चलिए गाइस अब करेंगे थोड़ी देर बाद अनबॉक्सिंग जो उसके मामा ने उसको गिफ्ट दिया है। तो गाइस फाइनली देखिए जो हर्षी के मामा ने हर्षी को गिफ्ट दिया है सरप्राइज, वो मैं खोलने जा रहा हूँ। तो टेप इसका खुला ही है, तो भाई इसको ये कुछ नहीं था, इसमें ही बंधा हुआ है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये हर्षी का सरप्राइज है। ओ माय गॉड, हर्षी के लिए ये हर्षी का गाड़ी है, गाड़ी जिसमें हर्षी घूमेगी। वाओ कितना अच्छा मामा ने गिफ्ट दिया है। वाओ ये देखिए, अब इसको करते हैं साइड, और ये कैसे करना है इसको देखते हैं ना, हाथ पर दबे ना, ये ऐसे है। देखिए गाइस ये इसका सर है, ये अरे ये तो अपने आप ही हो गया। वाओ ये अरे ये ऐसे ये खुला है। रुक जा, ये इसको सीधा कर दो पहले, ऐसा बताया था, ये सीधा कर दिया, और ये लॉक है। अच्छा टेढ़ा कर गई होगा क्या, क्या लॉक बोल रहे थे? इसको इसके अंदर डालना है। अच्छा तो ये ऐसे होगा लगता है। ये गाइस तो ये अब इसके अंदर ऐसे जाएगा, इस छेद के अंदर ये गया। ठीक है हो गया, अब तो ये घूमेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा ना, ये हो गया। अब इसको करते हैं ये ऐसे। अच्छा ये इसमें नहीं जा रहा। अच्छा ये गया, ठीक है अच्छू ये हो गया। और ये लॉक करो, ये भी लॉक होता है, इसमें तो कुछ दिखने लॉक वाला, जब नीचे रहेगा तो उसमें। तो हर्षी का ये हो गया तैयार, ये देखिए कितना अच्छा है। हर्षी अब बैठेगी ना, रुक जा अभी इसे बिछाते हैं कुछ लाओ, रुक जा हर्षी बहुआ। तो हर्षी को इसमें फर्स्ट हर्षी की राइड करते हैं, देखते हैं कैची है राइड, हर्षी की राइड। और भी अभी हर्षी की राइड करा रहे हैं हम। हर्षो रुक जा, तेरी राइड करा रहे हैं। हगीज पहनी है ना, गीला कर दी तो चलो आओ। तो गाइस पन्नी सबसे नीचे, ओके पन्नी सबसे नीचे रख देते हैं, चुन्नी के गाइस पहले पन्नी बिछाते हैं। नहीं नहीं रात को ना, तो इसको ये देख अभी वो कर लेंगे ना। हर्चू बाज बाज, अच्छे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तो कुछ नहीं होता ना इसमें। ये तो इसका सॉकर है क्या, ये सॉकर है। अर्चू आजा। तो गाइस सब अर्चू को हम लेटाने जा रहे हैं इसमें। अर्चुली अपनी गाड़ी में लेटेगी, गाड़ी में लेटेगी, अर्चू की गाड़ी है, अर्चू की गाड़ी, ये अर्चू की गाड़ी, अर्चू की गाड़ी आ गई। अब अर्चू इस गाड़ी में घूमी कर, चलो अब मैं घूमी करके दिखाता हूँ हर्चू को। देखिए गाइस और हमारे यहाँ घूमी करने के लिए बहुत लंबी जगह है, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी पोताई चल रही है, पोताई का काम चल रहा है, सारे घर का सामान आस्ते गया। तो वैसे घूमने की बहुत जगह है, चलो सीधे चलते रहो। देखिए गाइस तो हमारे पास घूमने की बहुत जगह है, सीधे यहाँ से निकालेंगे हर्ची को। तो हर्ची को ऐसे करते करते ले चलो, हर्ची को ले चलते पूरा, हर्ची सब दबाते हुए हर्ची। ये देखिए अब यहाँ से हर्ची को ऐसे घुमाएंगे, और हर्ची को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, इतने बड़े घर में ऐसे घुमाएंगे, और फिर इसको ऐसे करके यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब हम इसको किचन में भी ले जा सकते हैं, इसको जब खाना खाना है तो हम इसको किचन में ले जाएंगे। तो किचन में थोड़ा उठाएंगे, और ये आ गई किचन में, आ गई आ गया तू। तो गाइस कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कैसा लगा। और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कितने रुपए का मिला, कितने मिला, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। चलिए फिर मिलते हैं आगे के व्लॉग में।